हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय साह जी, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय माधव सिंह डावर जी, उपाध्यक्ष भाई सत्येंद्र भूषण सिंह जी, वन विभाग के ACS श्री जैन कंसोटिया जी, ACS कृषि और वन विभाग में लंबे समय तक जिन्होंने काम किया श्री अशोक वर्णवाल जी, हमारे PCCF रमेश कुमार गुप्ता जी, अभय कुमार पाटिल जी MD वन विकास सिंह, पुष्कर सिंह जी, देश चौहान जी, सुनील अग्रवाल जी, UK सुबुद्धि जी, नीचे बैठे हुए हमारे ऐसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने वन और वन्य प्राणियों को बचाने में अतुलनीय योगदान दिया है, जिनको आज मैंने अभी सम्मानित किया है, एक बार उनका ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का दिन है। जंगल नदी पहाड़ का प्यारा, खनिज रत्नों का दुलारा है सुंदर सुरम्य सुषमा से सुरभित मध्य प्रदेश हमारा है। यह हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और इसको टाइगर स्टेट बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए मैं वन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वन मंत्री जी का, उनकी टीम का, वन विभाग का। हम टाइगर स्टेट भी हैं, हम लेपर्ड स्टेट भी हैं, हम घड़ियाल स्टेट भी हैं, हम बल्चर स्टेट भी हैं और अब तो हम चीता स्टेट भी हैं। इस पे जोर से ताली बजाओ भाई, ऐसे काम नहीं चले। भेड़ियों की संख्या भी हमारे यहां कम नहीं है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे दूध राज की संख्या भी आपने बढ़ाई है, जो हमारे प्रदेश का पक्षी है। अपने मध्य प्रदेश में वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा, इसके भंडार है और आज मुझे हुए कहते हुए गर्व है कि 30% से ज्यादा वन क्षेत्र को, फॉरेस्ट कवर को हमने बचा के रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। देश के लगभग 13% वन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की धरती पर है और अति सघन वनों को भी हमने बढ़ाने का काम किया है, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखिए वनों के बिना इंसान की जिंदगी भी नहीं चल सकती। वन वन्य प्राणी, देखो ये धरती भगवान ने केवल इंसान के लिए नहीं बनाई, इंसान के लिए भी है लेकिन ये धरती प्राणियों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में वनों का, वन संपदा का, वन्य प्राणियों का भयंकर विनाश किया, पर्यावरण को तबाह किया और उसके कारण एक नया संकट पैदा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। उससे सारी धरती आज आतंकित है, पूरा विश्व चिंतित है और इसलिए आज पर्यावरण की बात कही जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के वन विभाग को मैं बधाई दूंगा, मध्य प्रदेश में पर्यावरण का संरक्षण करने में वन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। हमने जंगल बचाए, वन बचाए, वन्य प्राणी बचाए और पन्ना में तो टाइगर खत्म हो गए थे। अकेला मध्य प्रदेश शायद दुनिया में ऐसा राज्य है जिसने दूसरी जगह के, जब हम ला रहे थे मुझे याद है अच्छी तरह,
शायद ये 7-8 की बात है, तब लोग उंगलियां उठा रहे थे, एक बार बाघ खत्म हो गए, अब फिर से थोड़ी आ पाएंगे। लेकिन मैं वन विभाग को बहुत बधाई देता हूं, आज पन्ना टाइगर से आबाद है और सबसे सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल बनाए, विशेषकर टाइगर देखने के लिए। एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हैं। हमने अपने जो टाइगर रिजर्व हैं उनको बेहतर बना के रखा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाई और बहनों की है, उनकी भी अर्थव्यवस्था का आधार आज जंगल है। मध्य प्रदेश अपना ऐसा राज्य है जहाँ टाइगर की संख्या बढ़ के अब 785 हो गई है। अब मेरी भी कल्पना नहीं थी, मैं तो सोच रहा था कि बड़ा कंपटीशन होगा कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में एक एक दो दो नंबर के लिए लड़ाई होगी। पिछली बार हम केवल नंबर में 2 ज्यादा थे, लेकिन कर्नाटक 526 के आसपास रह गया और मध्य प्रदेश ने 785 टाइगर कर दिए। अब तो यह हाल है कि भोपाल में भी टाइगर दहाड़ रहे हैं, राजधानी के आसपास बाघों की दहाड़ सुनने मिलती है। लेकिन यह हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं एक बात के लिए और बधाई दूंगा, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, उसको भी हमने बड़े जतन से बचा के रखा है। मैं देख के आया था बारहसिंगा का जो बाड़ा है वहां, उनको हम बचा के रख रहे हैं। कालर वाली बाघिन भी इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है, जिसके स्वर्ग जिसका जब निधन हुआ तो सारे देश में मातम मनाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने भी दुख प्रकट किया था। सफेद बाघ व्हाइट टाइगर, वो भी हमारे यहाँ है, उनकी हमने सफारी बनाई है और देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी अगर स्थापित किया है तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। वानिकी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, बफर में सफर गेट मनी से भी आए 9 करोड़ से बढ़ा के 53 करोड़ आपने की। 41 जो हमारे नवीन राजस्व ग्राम थे, वन ग्रामों को बनाने का काम किया है। अभी विजय जी बता रहे थे कि हम वन भी बचाते हैं लेकिन इंसान को अगर कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई में भी कसर नहीं करते। हमने कई अनेकों फैसले किए हैं, जैसे विजय साय जी बता रहे थे वन समितियों को कास्ट राजस्व का 20% का प्रावधान और बांस का तो 100% हम उन्हीं को देने का काम करते हैं। मैं ऐसी उपलब्धियों के लिए बांस क्लस्टर साहब विकसित कर रहे हैं, बांस मिशन पे काम कर रहा है, चल रहा है। 1152 ग्रामों में 4,41,000 हेक्टर बिगड़े वन क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्थापित होकर अच्छे वन की श्रेणी में हमने शामिल किया है। पेसा एक्ट लागू करने के लिए भी मैं वन विभाग ने जो सहयोग दिया है उसके लिए आपको बधाई देता हूं। यह हमारा वन विभाग है जिसने 268 समितियों को ट्रेनिंग देके उनसे तेंदू पत्ता तोड़वाने का काम किया है। और यह हमारा वन विभाग है जो एक अभिनव योजना चलाता है कि वन में अगर कोई भाई बहन आए तेंदू पत्ता तोड़ने, वनोपज का संग्रहण करने, तो एक बार देखा था कि एक बहन के पांव में चप्पल नहीं थी और तब हमने तय किया कि तेंदू पत्ता संग्रहित करने वाली बहनों के पांव में हम चप्पल पहनाएंगे, भाई के पांव में जूते पहनाएंगे, पानी की कुप्पी देंगे, बहन को साड़ी देंगे और धूप और बरसात से बचने के लिए छाता भी दिया जाएगा। ये चरण पादुका योजना वन विभाग ने ही उनके साथ ही मिलकर हमने बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने 32 वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदने का काम प्रारंभ किया है, जनता के लिए भी वरदान बनाया हमने वनों को। मैं आज आप सबसे इतने कहना चाहता हूं कि वन आवरण आप देखें तो सघन वन में 2003-04 के बाद ये गर्व का विषय 2,42,600 हेक्टर की वृद्धि की है। मैं एक बार फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2005 में अति सघन वन जो 4,239 वर्ग किलोमीटर था
वो 21 में बढ़ के 6,665 वर्ग किलोमीटर हुआ है। आज हमारा नया भवन बन के तैयार है, देर जरूर लग गई लेकिन बना बहुत सुंदर है। मैं तो जब भी हेलीकॉप्टर से गुजरता था तो ऊपर से इस वन भवन को देखते हुए जाता था। इतना सुंदर भवन मध्य प्रदेश में दूसरा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और ये कंप्लीट हरित भवन है, इसमें पानी, हवा, इसमें सूर्य का प्रकाश। देखो तीन वरदान, हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश। हरित भवन का मतलब है इन तीनों का संरक्षण करना। तो इनका तीनों का संरक्षण करने का काम हमारे ये वन भवन करेगा। ये नया भवन नहीं है बल्कि आपके लिए नई ऊर्जा का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। मित्रों मेरी अपेक्षा है, एक तरफ हमारे टाइगर, बल्चर, लेपर्ड, घड़ियाल और चीते बचे रहें, और समय के साथ साथ न केवल हम टाइगर स्टेट बने रहें बल्कि ये टैग बढ़ाने की कोशिश करें। वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत पुण्य का काम है। हम अपने वनों को बचाए रखें, वन आवरण बढ़ाने का प्रयास करें। और ये नया भवन आपके परिश्रम के लिए नई ऑक्सीजन का काम करे, ये भी मैं आह्वान करता हूँ। आप इतनी मेहनत करें कि हमारी उपलब्धियां और अवार्ड की लिस्ट लगातार लंबी होती चली जाए और दुनिया के ऑक्सीजन हब या दुनिया के फेफड़े मध्य प्रदेश ही बन जाए। मेरे मित्रों हम ये कोशिश करें वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस भवन से ऐसी नीतियां बने जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। उदाहरण आप सब वन संपदा के संरक्षण के सजग प्रहरी बने, लेकिन इसके साथ साथ वन और आदिवासियों का बड़ा गहरा संबंध है। एक तरफ हम वन बचाएं, दूसरी तरफ हम वन में रहने वाले हमारे जनजाति और आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाने का माध्यम भी बने, क्योंकि आदिवासी कभी जंगल नष्ट नहीं करता, वो तो प्रकृति के साथ रहने का आदि है। तो हम ये प्रयास भी करें जैसे वन बिना किसी स्वार्थ के तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। जैसे वन बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से हमारे जीवन की गति बनाए हुए, वैसे ही आप ईमानदारी और निष्ठा से अपने कामों की गति को बनाए रखें। एक बार मैं फिर आपको इस नए अनोखे अलौकिक भवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भावना के साथ यहां से ऐसी वन नीतियां बनेगी जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। और अगर काम करने के लिए आपको जगह कम पड़े तो इस पूरे वन विभाग को, इस पूरे वन भवन को केवल वन विभाग के लिए भी आरक्षित कर दिया जाएगा। अब इतनी कंजूसी भी क्या करना, 70-75 करोड़ रुपया के लिए व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वन भवन वन विभाग को ढंग से चलाए, स्थान की कोई कमी ना रहे। और इसके साथ मैंने देखा हमारे कुछ ऐसे कर्मचारी जो बड़ी कठिनाइयों में काम करते हैं, जैसे महावत। अभी कदुक्का बार तो ऐसी घटना होती है कि महावत को हाथी मार देता है। कितनी मेहनत जंगलों में रह के करते हैं। जंगल में भ्रमण करने वाले हमारे वन रक्षक जो डंडा लेके घोर घने जंगलों में घूमते हैं, 15 दिन महीना भर में एक आध बार अपने घर जा पाते हैं। कटर जैसे हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो अत्यंत अल्प वेतन पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि इनके लिए बेहतर सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर ये मेंटेन कर सके, उनकी चिंता करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसके लिए मैं एक बार फिर पृथक से बात करके, क्योंकि वो परमानेंट है ही नहीं, बता कब से काम कर रहे हैं बेचारे, कितने दिन जंगलों में रहते हुए हो गए, जंगलों में घूम के जंगल की रक्षा करें, कभी जंगल के प्राणी उनको नुकसान पहुंचा दें। ऐसे हमारे कई साथी हैं
जो वनों को और वन्य प्राणियों को बचाते हुए शहीद हो गए, अब उनकी बेहतर जिंदगी कैसे हो सकती है, इसकी चिंता करना भी मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, और उस दिशा में भी हम काम प्रारंभ करेंगे। मैं सभी वन कर्मियों को, जाओ उपस्थित है और उपस्थित नहीं भी है, आज तो वन परिवार भी आए हुए हैं, मैं देख रहा था बच्चे कितने प्रसन्न थे, सीटियां बजा रहे थे थोड़ी देर के पहले, बच्चे हैं क्या अभी, बच्चे यहां पे हैं अभी, ये बच्चे उधर देख रहे हैं, इधर एक बार सीटी बजाओ बेटा, सीटी बजाओ और बजाओ, आज इनकी सीटियों की किलकारी से वन भवन गूंजे और आपके परिवार में भी किलकारियां ऐसे गूंजती रहे, आप प्रसन्न रहें और आनंद से अपने जीवन को भी व्यतीत करें और वन को भी बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।